हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं DFCCIL का जो अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसका हम GS पार्ट देखेंगे, यानी कि साइंस GS और जो DFCCIL के रिगार्डिंग पूछा गया था वो सब क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम मैथ और रीजनिंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अभी देखते हैं GS का क्या क्या पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, यानी कि SNT ग्रुप का है। तो देखते हैं कैसा कैसा GS वगैरह पूछा गया है इसमें। यहाँ से मेरा जनरल यानी कि अवेयरनेस स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पार्टियों यानी COP का 27वां सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, यानी COP 27 का जो आयोजन हुआ था इस बार कहाँ पे हुआ था। तो इसका सही आंसर होता है इजिप्ट, यानी ऑप्शन 1 सही होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल से होता है। तो इसका जो सही आंसर होता वो ऑप्शन B यानी कि टाइफाइड। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, गुड फ्राइडे मुख्यतः किस धर्म से जुड़ा है। तो गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है वो ईसाई धर्म का, ये उसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है 1949 ईस्वी, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को पारित किया गया था, और लागू पूछेगा तो 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, मायोपिया रोग जिसे निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है वो अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है, और वहीं पे रहता है हाइपरमेट्रोपिया तो वो उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के मात्र एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1924 ईस्वी में हुआ था, बेलगांव अधिवेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय संविधान में महानवादी जो कि आर्टिकल 76 में है, तो उसका जो नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसमें टोटल 22 भाषा है जिसमें से शुरुआत में 14 भाषा था, उसके बाद 15 में सिंधी को जोड़ा गया था, और इसी क्रम में फिर आगे नमक करके है ट्रिक, नेपाली, मणिपुरी इस तरह करके, और फिर आगे बोडोमास करके ट्रिक है, सब जोड़ा गया था। तो इसमें जो है सिंधी वो 8वीं भाषा का, 8वीं मतलब अनुसूची का भाषा है, और अंग्रेजी राजस्थानी और भोजपुरी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है 9 नंबर, भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है। तो क्वेश्चन यानी स्टेटिक टाइप का है, तो केरल में है इसका, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, केरल। नेक्स्ट है 10 नंबर, फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022 नामक अध्ययन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा NCERT, यानी कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती जो मात्र 2 नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ SLR इन बैंकिंग सिस्टम। तो SLR का जो होता है बैंकिंग सिस्टम है फुल फॉर्म क्या होता है उसका पूछा गया था। तो इसका होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जीवन जीने का जो अधिकार है एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो ये चल जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में अधिकतम वर्षा किस परिघटना के कारण होती है। तो भारत में जो अधिकतम वर्षा होती है वो मानसून के कारण होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, कौन सा शहर स्क्वेश विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। तो स्क्वेश विश्व कप यानी वर्ल्ड कप जो 2023 में होना था इसका कौन मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब आ गया साइंस, यानी कि GK में 15 क्वेश्चन था साइंस में। अब देखते हैं इनमें से
कौन सी प्रथा वन के संरक्षण में मदद करेगी? पहला है वनों की कटाई का अभ्यास, दूसरा है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा है स्थानीय लोगों द्वारा जलाऊ लकड़ी के उपयोग में वृद्धि, और चौथा है उद्योगों द्वारा वन उत्पादों में उपयोग में वृद्धि। इसका सबसे जो सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी है, यानी कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है 2 नंबर, एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, जीनस की तुलना में वर्णों में कौन कम सामान्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 यानी कि परिवार। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि आभासी और सीधा। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। और समतल दर्पण का अगर फोकस दूरी पूछेगा तो क्या होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट है, किसी धातु का आवर्त सारणी में नियत स्थान नहीं, यानी किस धातु का आवर्त सारणी में नियत स्थान नहीं मिला था उसके बारे में पूछा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, लेड के सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड यानी शीशा का होता है पीबी, और सल्फेट का होता है SO4 यानी कि PbSO4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 7 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पे इसका 0 ले लिया गया, लेकिन इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन शायद एरर है, तो इसका आंसर ऑप्शन ये होना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्शन भी किया गया है, तो देखिए क्या होता है इसका आंसर जब फाइनल आएगा, तो उस टाइम तो आंसर की नहीं पता चलेगा, लेकिन आपका जो रो स्कोर है उसमें वृद्धि हो सकता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये तो पूरा इजी क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा मैनिफेरा इंडिका। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे तेजी से घटता प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो विश्व में सबसे तेजी से घटता वो प्राकृतिक संसाधन है वन। नेक्स्ट है 10 नंबर, मेंडलिफ ने कितने तत्वों को आवर्त सारणी में रखा था? तो मेंडलिफ ने जब आवर्त सारणी बनाया था तो उस टाइम कितना तत्व था? 63 था। नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्न में से कौन ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन परत की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो CFC, ठीक है, CFC है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 12, शॉर्ट सर्किट में करंट का क्या होता है? यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट का मान क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा ऊर्जा का विकास होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा LPG का जलना, इसमें ऊष्मा ऊर्जा का विकास होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, एक अस्थायी अंग है जो एक स्तनधारी माँ को उसके भ्रूण से जोड़ता है, यानी कि बोला जा सकता है बच्चे को जो पौष्टिक आहार वगैरह जो मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो शाकाहारी, शाकाहारी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। मनुष्य किस में आएगा? तो मनुष्य सर्वहारी में आ जाएगा, यानी कि हाँ मनुष्य सर्वहारी में आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर प्राथमिक होता है वो शाकाहारी है। अब आ गया नेक्स्ट रीजनिंग है, तो रीजनिंग अभी हम लोग को नहीं देखना है। टोटल 30 रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग नॉलेज ऑफ यानी नॉलेज अबाउट रेलवे और BFCI। तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन है, भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर किन दो शहरों के बीच बनाया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दिल्ली और मेरठ। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ट्रेन बॉम्बे से निम्नलिखित में से किस स्टेशन तक चली थी? तो बॉम्बे से थाने, यानी कि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और ये जो प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने मीट्रिक टन का रिकॉर्ड माल ढुलाई हासिल की है, यानी अब तक का सर्वाधिक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1512 मीट्रिक टन। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना पर पहली बार 2005 में किस शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई थी? यानी DFCCIL का जो परियोजना पर पहली बार जो चर्चा हुआ था 2005 में किस शिखर सम्मेलन में हुई थी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्क शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर,
हंगरी फॉर कार्गो पहल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेल। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय रेलवे द्वारा कितने किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया गया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6542, यानी कि 6542 रूट किलोमीटर है। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल यानी जून 2023 तक का निर्माण किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा DFCCL का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें चार दिया हुआ था ऑप्शन, जिसमें से ऑप्शन जो बी है आतरिक होने वाले बाजार में रेल के हिस्सेदारी बढ़ाना, ये इसका सही उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है 9 नंबर, DFCCL को किस कंपनी अधिनियम के तहत एक शेड्यूल ये कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1956 के अधिनियम के तहत, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कितने गति शक्ति फ्रेट टर्मिनल बनाए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि 30, यानी कि 30। तो अभी हम लोग देखें DFCCL का जो था S&T ग्रुप का, जो 2023 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसका, GK और साइंस और DFCCL से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग और मैथ का बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।